तो यहाँ पे हमने कपड़े की क्वालिटी बस देखे गाइस कितनी सुंदर लग रही है, एकदम इसकी फिनिशिंग परफेक्ट ढंग से बिठाई गई है। अब बाकी अगर अंदर चलते हैं कैबिन में तो कैबिन का लुक देखे गाइस एक बार, यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है ये देखें गाइस एक बार। सीट की क्वालिटी मतलब हल्का से भी आपको एक सिल्वर का निशान भी नहीं देखने को मिलने वाला इस सीट के ऊपर। हैरियर का लोगो है इस पे, आर्मरेस्ट हमने देख रहे हैं कितने अच्छे ढंग से फिनिशिंग दी है। अगर आप चाहते हैं हैरियर में कुछ ऐसा काम कराना तो आप करा सकते हैं। यहाँ पे हमने फ्लोरिंग डाली है, फ्लोरिंग के साथ हमने यहाँ पे फुटरेस्ट भी डाले हैं। अगर यहाँ पे अगर आगे दिखाएं तो हमारी यहाँ पे एंड्रॉयड स्क्रीन है 10 इंच की, और यहाँ पे हमने स्टेयरिंग कंट्रोल से लेके स्टेयरिंग पे कपड़ा चढ़ाया है। तो एक बार आपको फिनिशिंग बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे मैं जस्टिफाई कर पा रहा हूँ। तो हेलो जी, कैसे हो आप सबके सब। तो आज हम लोग लेके आ चुके हैं टाटा हैरियर मॉडिफिकेशन का वीडियो। ये हमारा बेस मॉडल होने वाला है। एक बार आपको बाहर से इसका लुक दिखा रहे हैं कि आखिर अभी हमने क्या क्या इसमें चेंज कर दिया है। बात करते हैं तो इसमें हमने अभी यहाँ पे फुटरेस्ट डाले हैं, बेस मॉडल में नहीं आते। बेस मॉडल में हमारा आते हैं रिम, ये है हमारा अलॉय। तो इसमें हमने यहाँ पे टाटा के जेन्युइन अलॉय डाले हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको भी नीड है अलॉय की तो आप अपनी हैरियर में यहाँ पे आके अलॉय डलवा सकते हैं। फिलहाल आज हम लोग आए हैं करोल बाग आरवी कार एसेसरी पे, तो यहाँ पे आपको टाटा हैरियर की सारी एसेसरी देखने को मिल जाती है। बाकी आगे से काम चल रहा है, अभी आगे चलते हैं और यहाँ से अगर आपको एक बार डोर खोल के दिखाएं तो डोर पे आप देखेंगे तो अभी यहाँ के डोर पैनल्स होते हैं ये खुल गए हैं, इन पे अभी कपड़ा चढ़ने वाला है। और यहाँ पे हमने स्पीकर डाले हैं गाइस, देख रहे हैं ये हमारा वेरिएंट होता है की वाला, इसमें हमारा ऑटोमेटिक बटन नहीं होता बेस मॉडल में। अब बात करते हैं तो अभी यहाँ से देखेंगे पूरी पूरी सीटें खुल चुकी हैं, पिछली सीट पे चल रहा है काम, और यहाँ से देख रहे हैं सारे डोर्स के कवर हट चुके हैं। अब बाकी बात करें तो ये स्टेयरिंग गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने स्टेयरिंग कंट्रोल भी इसके अंदर इंस्टॉल किए हैं, ये आपको बेस मॉडल में देखने को नहीं मिलते। अगर आप चाहते हैं टॉप वेरियंट का कुछ ऐसा अपनी स्टेयरिंग में फंक्शन डलवाना तो आप डलवा सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस यहाँ से, तो यहाँ पर हमने एंड्रॉयड डाला है 10 इंची का, आप देख रहे हैं ना गाइस यहाँ पे ब्रांड का भी आपको लोगो मेंशन हो रहा है। अभी आपको इसका साउंड सुनाने वाले हैं क्योंकि अभी इसकी सेटिंग होने वाली है। स्पीकर हमने डाले हैं और स्पीकर के साथ साथ जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी इसमें हम लोग फ्लोरिंग का भी काम करने वाले हैं। बाकी बात करते हैं तो यहाँ पे DRLs में हमने वाइट LED बल्ब डाले हैं, ये आते हैं स्टॉक येलो वाले, तो दोनों साइड हमने डाल दिए हैं। बाकी बात करते हैं नीचे से फॉग लाइट में हमने यहाँ पे LED डाली है, आपको नाइट विजन हो सके तो कोशिश है कि चेक करवा दूँ मैं आपको। फिलहाल आज हमारे साथ यहाँ पे हैरियर के ऑनर भी वीडियो में आ गए। भैया आपका नाम क्या होने वाला है? अभिषेक। ओके, आपके चैनल के थ्रू आया था। ओके, और सेकंड एक और फ्रेंड है हमारे करोल बाग में। ओके, उनके थ्रू आया था। ठीक है, तो फिलहाल भैया हमारा ये व्लॉग देख के आए हैं टाटा हैरियर का, और हैरियर अपनी यहाँ पे टॉप मॉडल में कन्वर्ट कर रहे हैं बेस मॉडल से। फिलहाल आज यहाँ पे डायमंड भाई भी हमारे, क्या हाल है भैया? बढ़िया भैया। डायमंड भैया एक बार जल्दी से ना वीडियो में नंबर बताओ अपना। 9560284181। ठीक है, तो आप यहाँ पे आरवी कार एसेसरी पे आ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई भी एसेसरी की नीड है, ऑल्टो से लेके हैरियर से लेके क्रेटा से लेके, आज इस क्रेटा में यहाँ पे PPF का काम होने वाला है। ये गाड़ी आई है राजस्थान से, एक हमारा सब्सक्राइबर है जिसके पास स्विफ्ट थी। हाँ। जिसने स्विफ्ट का मॉडिफिकेशन देखा है तो आपको पता चल जाएगा ये उसी भाई की गाड़ी है क्रेटा, इसमें हो रहा है PPF काम। और आज हम लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं आपसे यहाँ से टाटा हैरियर की। थोड़ा हमारा एकदम हल्का सा ब्लैक कलर है डोर वाइज़र का, और ये अभी हम लोग यहाँ पे हैरियर के डोर पे लगाने वाले हैं। लगने पे कुछ ऐसा लुक आने वाला है। हमने फ्रंट डिफ्यूज़र यहाँ पे लगा रखा है, देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है देखने में। आप एक बार देखें गाइस, आप भी अपनी हैरियर में कुछ ऐसा लगवा सकते हैं, मतलब कि आपको बेस मॉडल में नहीं मिलता पर आप आफ्टर मार्केट आते हैं तो कुछ ऐसी एसेसरी आप अपनी कार में लगवा के जाने वाले हैं। बाकी इस साइड से अगर आपको दिखाएँ तो यहाँ पे जैसे हमने दिखाया कि डोर सारे खुल गए हैं, अभी अंदर से यहाँ पे एंड्रॉइड देखें गाइस सेट हो गया। You're too strong when I battle with the beast, bring a few on. The commander and the chief for my crew on. Bullets rattling and whistle at your toque, never sleep, eyes open, hands clutching on my throat, this a war zone. This a war zone. Yo, this a motherfucking war zone.
अच्छे ढंग से फिनिशिंग दी जा रही है, अच्छे से स्टीयरिंग को यहाँ से सिला जा रहा है कि ये इन फ्यूचर कभी आगे ये निकले ना। इसकी ग्लू लगा के अच्छे से इसकी फिनिशिंग दी जा रही है। सीट के साथ बहुत ही अच्छा जचने वाला है ये। जैसे हमने आपको सीट दिखाए हैं आपको शॉर्ट में समझ आए होंगे, काम बहुत ही जेन्युइन ढंग से डायन भाई ने करके दिया है और यहाँ पे 10 इंच का एंड्रॉयड लगा रखा है। अब बात कर लेते हैं इसमें, यहाँ पे देख रहे हैं गाइस JBL के स्पीकर, ट्विटर्स और मिनी एम्प आते हैं। ये दो ट्विटर्स, ये स्पीकर है JBL का, मिनी एम्प्स आपको मिल जाएंगे। तो अभी इस टाइम हमने यहाँ पे 4 JBL के स्पीकर लगाए हैं, 4 ट्विटर लगाए हैं और 4 मिनी एम्प का इंस्टॉल किया है। स्क्रीन इंस्टॉल कर रखी है 10 इंच की। एक बार इसको भी खोल के दिखा लेते हैं, खुल जा सिम। ये है हमारा 10 इंच का स्क्रीन। पीछे से आपको कुछ ऐसे कनेक्शन देखने को मिल जाते हैं। ब्रांडिंग आपको ब्रांड की यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। साइज़ वाइज आप पे है कि आप क्या साइज़ लेना चाहते हैं एंड्रॉयड स्क्रीन का। 9 इंची का भी होता है, 10 इंची का भी होता है, उससे नीचे भी होता है और ब्रांड्स भी इसमें आपको 10 से 12 तरह के ब्रांड मिल जाते हैं। Love the chase and the hunt. Naade tainu karde rahe koi saade vaang karuga ta pata laguga. Dil naale laare ni tu laun wali hai. A few moments later. एम्बियंस लाइट, आपने कुछ ऐसी लाइट अभी तक नहीं देखी होगी, मार्केट में देखी है पर इतना अच्छा व्यू वाली लाइट अभी तक मेरे ख्याल से आपने नहीं देखी होगी। इसके साथ यहाँ पे मिलता है रिमोट, हम लोग यहाँ पे अपने हिसाब से ब्लू कर लो या कर लो ग्रीन या कर लो रेड या कर लो ऑरेंज, और यहाँ पे मल्टी कलर भी आपको मिल जाते हैं। ये देखो, ये देखे गाइस, ये देखे, तो कितने अच्छे ढंग से ये फंक्शन कर रही है लाइट, बहुत सही लगी। देखो यहाँ पे पर्पल कलर की लाइट जलाता हूँ, ये देखें एक बार। रिंग दिखाया है, इसकी क्वालिटी देखें गाइस, हमने बहुत ही डिटेलिंग से इसकी यहाँ पे सिलाई की है कि आपको अच्छे ढंग से इसकी लाइफ मिलने वाली है। बाकी यहाँ पे डोर पे हमने कपड़ा दिखा लिया है, एंड्रॉयड दिखा लिया है हमने, तो इसमें हमने स्टीयरिंग कंट्रोल डाला है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। अगर आपके पास भी बेस मॉडल है तो आप डायमंड भाई के पास आएँ, अपनी कार में कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन करा सकते हैं आफ्टर मार्केट कंपनी के मुकाबले। डायमंड भाई एक बार बात कर लेते हैं, अभी ये एंड्रॉयड स्क्रीन का प्राइस कितना पड़ा है? ये पड़ गया आपका 19,500। अच्छा 19,500 का, 19,500 के बनी है, ठीक है। और इससे ऊपर मॉडल भी जाती है जो 22,000 के भी है, हाँ जी 17,000 के भी है, मतलब कि अभी 19,500 का इसमें खर्चा आया है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं जो ये स्टीयरिंग कंट्रोल आपने डाले हैं भैया, स्टीयरिंग कंट्रोल है सर आपका 3,000 रुपए की है, 3,000 रुपए का, जेन्युइन जेन्युइन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और बात कर लेते हैं भैया भैया फुल इंटीरियर, जैसे मान लो स्टीयरिंग हो गया, आर्मरेस्ट हो गया, सीट कवर हो गया, डोर्स की क्वालिटी हो गई, तो इनका क्या खर्चा है इंटीरियर का? ये जो टॉप मॉडल कपड़ा आता है ना, टॉप कपड़ा, हाँ जी, ये वो लगाया हमने, ठीक है। लेमिनेशन कपड़े का नाम क्या भैया? ये है स्टैलियन लेदर। अच्छा स्टैलियन लेदर, लेदर है, 10 साल तक इसका वारंटी है, बहुत अच्छी बात, हटने सकता है कुछ हो नहीं सकता इसमें, ठीक है। सो गाइस आप आ सकते हैं डायन भाई के पास। भैया नियर बाय लोकेशन क्या होगी यार? मेट्रो पिलर नंबर 80 के सामने चौड़ी गली है, आरबी कार से सिर्फ सामने नजर आ जाएगा। मेट्रो नंबर 81 पे आ जाओ, 80 पे आ जाओ, नंबर बताओ यार, 9506028481 7503874681, ठीक है। सो गाइस आप आ सकते हैं हमारे डायमंड भाई के पास। अगर आपके पास ऑल्टो है, अगर आप हैरियर है या कोई सी भी कार है, कोई भी गाड़ी हो यार, कोई भी गाड़ी ले आओ, सारा मतलब कि आपके पास यूनिवर्सल, मतलब कोई सी भी कार है, आपको छोटे से लेके बड़े पार्ट की जो भी नीड है आपकी नीड यहाँ पूरी करी जाएगी अदर किसी करोल बाकी शॉप के मुकाबले। क्योंकि देखो सर इतना कंपटीशन हो चुका है मार्केट में, कंपटीशन बहुत है, 20 साल का एक्सपीरियंस हूं मैं। सही बात है, जो वीडियो देखते भी होंगे ना, ये देखो मैं पहचान दूंगा या देखो भैया, एक ना बोलने का तरीका होता है, लोगों को समझाने का तरीका होता है और माल देने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो वो कई चीजें ऐसी हो जाती हैं। तो ऐसे बताना वीडियो कैसा लगा, पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया ही होगा। तो गाइस कमेंट कर दे, वीडियो देखिए मजा ही आएंगे, बिल्कुल ऐसे काम ही वैसे करता हूँ, टाइम लूंगा लेकिन काम तरीके से। व्लॉग को ना एंड करने टाइम आ चुका है, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं देसी शोरा दिल्ली का यूट्यूब चैनल। तब तक ले साइन ऑफ, अपना वही देसी गाइस, बूम राम राम।